तो तुम लोगों को ये इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम में मिलने वाला कंस्ट्रक्शन साइट एरिया तो याद ही होगा, लेकिन अब शायद तुम लोग इसे पहचान न पाओ क्योंकि फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया है कंस्ट्रक्शन साइट के एरिया के पूरे वर्क को। एंड वो अब कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी घर अंडर कंस्ट्रक्शन थे फाइनली वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड उसी के साथ हम लोग को जो यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज देखने को मिलता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड इस कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग को वो चीजें भी देखने को मिल जाती हैं जो कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट दिखाने वाला हूँ एंड तुम लोगों को इसके लिंक भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ इस वाले एरिया में कि हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। बाद में इस वीडियो के अंदर हम लोग इसे पूरा एक्सप्लोर तो करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला हमारा कंस्ट्रक्शन साइट का ब्रिज देखने को मिलता है एंड जितने भी यहाँ पे दो तीन घर टूटे हुए थोड़े से थे, इनकम्प्लीट एंड टूटे हुए टाइप थे, हमने उन्हें पूरी तरीके से परफेक्ट कर दिया है। एंड जहाँ जहाँ पे हमें नॉर्मल मिट्टी देखने को मिल रही थी हमने उन जगह पर भी प्रॉपर फ्लोर बना दिए हैं, वो भी इस बार कलरफुल। एंड इसी के साथ हमें यहाँ पे एक न्यू हमारा घर देखने को मिलता है जिसके अंदर अगेन काफी ज्यादा फ्लोर है एंड इसकी हाइट भी काफी ज्यादा है। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक और सरप्राइज के बारे में, जो की है कि इस कंस्ट्रक्शन साइट के एरिया में मैंने तुम लोगों के लिए बेसमेंट भी ऐड करा है जो की हमें देखने को मिलता है अंडरग्राउंड में। एंड वहाँ पे जाने के लिए अगेन हम लोग वही मेथड यूज करेंगे जो कि मैंने पिछली वीडियो में यूज किया था। एंड वो हमें कुछ यहाँ देखने को मिलता है जिसकी हेल्प से तुम लोग बेसमेंट में जा सकते हो, बेसमेंट में पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड वो लिटरली हमें इस जमीन के अंदर देखने को मिलता है एंड फिर इस रास्ते से बाहर भी आ सकते हो। तो भाई देखो ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है एंड ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स तुम लोगों को यूट्यूब पे और कहीं तो नहीं ही मिलने वाले हैं। ऐसे खतरनाक खतरनाक प्रोजेक्ट्स मैं रेगुलर बेसिस पे लाता ही रहता हूँ। हैविंग सेड दैट चलो आज के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो यो 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 गाइस, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले लिंक को फाइनली अपने इंटरनेट वाले ऑप्शन में पेस्ट करके इंस्टॉल कर लिया है। एंड जैसे ही मेरी फाइल लोड हो गई मैं सिंपली बैक कर लेता हूँ एक बार अपने गेम को एंड दैट्स इट। अब देखो हम लोग डायरेक्टली जाने वाले हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट वाले एरिया पे। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर वहाँ जाए कैसा जाए क्योंकि वहाँ जाने के तब तो कई रास्ते हैं, चाहे तो मैं जैसे हम लोग नॉर्मल जाते हैं अपनी रोड्स की हेल्प लेके हम लोग वैसे भी जा सकते हैं, या तो हम लोग चाहे तो अपने घर के जस्ट साइड में मिलने वाले उसे ब्रिज से भी जा सकते हैं जो कि काफी ज्यादा टाइम एफिशिएंट होगा। एंड चाहे तो किसी फ्लाइंग व्हीकल से भी जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैंने हेलीपैड भी बनाया है जो कि हमें देखने को मिलता है हमारे नॉर्मल ग्राउंड में ही। बट मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने मिलने वाले न्यू ब्रिज से ही जाने वाला हूँ एंड मैंने इस पे ऑलरेडी चढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। एंड ये ब्रिज हमें काफी लंबा देखने को मिलता है क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमारे घर से सीधा उस कंस्ट्रक्शन साइट वाले एरिया को एंड हाँ उससे आगे बीच को भी। अगर तुम लोग सीधे सीधे चलते रहते हो तो तुम लोग डायरेक्ट उतरोगे बीच के पास, बट वहीं इस ब्रिज के बीच में ही हमें रास्ता देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन साइट में भी उतरने का जो कि है कुछ ये वाला। अब हम लोग चाहे तो यहाँ से नीचे उतर सकते हैं जो कि मैं उतरने भी वाला हूँ। ये लोकेशन अब बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है भाई, कहाँ हमें ये कुछ ऐसा देखने को मिलता था एंड अब देखो ब्रो क्या सही लग रहा है। एंड इसी के साथ तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो विंड टर्बाइन जैसे कुछ तीन चार देखने को मिल जा रहे हैं जिसको देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन साइट को पावर मिल रही है इन्हीं सबसे। एंड अकॉर्डिंग टू मी शायद इस एरिया को काफी ज्यादा गार्डन टाइप बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे हमें स्टार के शेप के फ्लावर पॉट्स में ये छोटे वाले ट्रीज भी लगे हुए मिल जा रहे हैं एंड बड़े वाले ट्रीज इसके बॉर्डर में लगे हुए हैं पीछे के साइड। एंड ये रहा मेरा मेन टावर जिसके अंदर अभी हम लोग जाएंगे एंड उधर के साइड तीन नॉर्मल साइज के घर जो कि नॉर्मल तो नहीं है वो भी काफी बड़े हैं वैसे भी बिल्डिंग्स देखने को मिल जा रही हैं। एंड ये सब तुम ही लोग की हैं, तुम लोग इनमें से किसी भी बिल्डिंग का यूज कर सकते हो एंड उनमें जा सकते हो। तो फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ अपने बड़े वाले घर के अंदर जो कि यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो गया है एंड यहाँ पे हमें कम से कम 6-7 फ्लोर देखने को मिलते हैं जिन पे रेलिंग्स भी बन रखी है। एंड इस समय मैं यहाँ पे पहले फ्लोर पे आ चुका हूँ एंड तुम लोग देख सकते हो भाई ये क्या कितना बढ़िया एरिया देखने को मिलता है, पूरा खाली खाली है एंड काफी बड़ा है। एंड ऐसे ही करके तुम लोग बाकी फ्लोर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी मैं तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं एक एक करके सारे फ्लोर को चेकआउट करते जा रहा हूँ। ऐसे ही करते करते मैं आ चुका हूँ इसका टॉप फ्लोर पे। एंड ब्रो एज ऑलवेज हमें इस घर के ऊपर भी काफी कमाल का एक डिजाइनर स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जा रहा है एंड ऐसे ही सेम डिजाइनर स्ट्रक्चर हमें बाकी दोनों तीनों घर पे भी देखने को मिल जा रहे हैं। एंड चलो अब यहाँ से मैं फटाफट से नीचे उतरता हूँ एंड तुम लोगों को और भी चीजें दिखाता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ इधर के साइड एंड अब तुम लोग देख सकते हो भाई ये एरिया पूरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। एंड खास करके बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे फ्लोर आ चुका है, पहले यहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी एंड
अब हमें यहाँ पे प्रॉपर फ्लोर देखने को मिल रहा है जो कि कलरफुल भी है। एंड इसी के साथ चलो ये पहली बिल्डिंग इसके अंदर पहले घुसते हैं। एंड ये ज्यादा बढ़िया है, एटलीस्ट इसके अंदर प्रॉपर स्टेयर्स भी हैं। बाकी तुम लोग नोटिस करते होगे कि जैसे मैं घर बनाता हूँ उनके अंदर इस टाइप से स्टेयर्स नहीं होती है। एंड उसके पीछे भी रीजन है, ऐसे स्टेयर्स बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम एंड फाइल का साइज दोनों ही बढ़ सकता है, इसीलिए मैं ऐसे स्टेयर्स की जगह प्रेफर करता हूँ जस्ट एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रोटेट करके लगाने के लिए। बट एनीवेज हम लोग इस बिल्डिंग को भी काफी हद तक देख ही चुके हैं एंड यहाँ पर भी रेलिंग्स लग रखी हैं जिसे तुम लोग यहाँ पे इतनी हाइट पर आके भी अपने पूरे कंस्ट्रक्शन एरिया को देख सकते हो। एंड ऐसी दो और बिल्डिंग्स भी हमें देखने को मिल जा रही हैं एंड यहाँ पे ब्रो बीच में पेड़ भी लग रखा है। तो अब तुम ही लोग बताओ कि आखिर तुम लोगों को ये जगह कैसी लग रही है। एंड हाँ चलो अब हम लोग देखते हैं इस जगह के अंडरग्राउंड बेसमेंट को भी। एंड एज आई सेड अंडरग्राउंड दैट्स मीन हमें जमीन के अंदर जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे एक कमाल का सिस्टम लग रखा है जो कि है कुछ ये। यहाँ पे तुम लोग अपने सिंपली किसी भी व्हीकल से आ सकते हो बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ऑलवेज चूज बाइक, वो ज्यादा इजी होगा। तो तुम लोगों को वेट करना है इन दोनों के ओपन होने का एंड जैसे ही तुम्हें यहाँ पे जगह मिले तुम्हें सिंपली इसके अंदर अपनी बाइक के साथ अंदर आ जाना है एंड दैट्स इट, अब तुम्हारा काम खत्म। अब ये ऑटोमेटिक ही तुम्हें बेसमेंट में भेज देगा एंड जस्ट कुछ सेकंड वेट करने के बाद ही ब्रो तुम लोग देख सकते हो मैं बेसमेंट में आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे ये पूरा रेड कंटेनर से बन रखा है एंड ये पूरा खाली है, यहाँ पे तुम लोग कुछ भी रख सकते हो जो तुम लोग चाहो एंड चाहो तो इसे अपना पर्सनल गैराज भी बना सकते हो। एंड डोंट वरी अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे तो उसका भी इंतजाम है, बस तुम्हें यहाँ से इधर की साइड आना है एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है, बस तुम्हें आराम आराम से या हाई स्पीड में जैसा तुम्हें सही लगे तुम लोग वैसे यहाँ से बाहर आ सकते हो। मैं नॉर्मल स्पीड में आया नहीं तो मैं सामने दीवार से लड़ जाता। तो देखा तुम लोग इस तरीके से यहाँ से बाहर भी आ सकते हो एंड अंदर जाने के लिए अगेन तुम्हें उसी एलिवेटर के पास जाना ही पड़ेगा। देखो अभी तक तो ये लोकेशन मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगी है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं वो सब बहुत ही बढ़िया हैं। एंड इसी के साथ तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हमें यहाँ पे एक हेलीपैड भी देखने को मिलता है जो कि इस बार मैंने नॉर्मल ग्राउंड में ही रखा है। तुम लोग यहाँ पे लाके अपना हेलीकॉप्टर भी पार्क कर सकते हो एंड अगर तुम्हारा मन करे तो तुम लोग जिस तरीके से मैं ब्रिज से आया हूँ वहाँ से आने की जगह नॉर्मल रोड से भी आ सकते हो एंड अगर वहाँ से तुम लोग आते हो तुम लोगों का सामने से वेलकम होगा इन सारे लैंप्स के साथ जो कि इस एरिया के साइड साइड में लग रखे हैं। एंड यहाँ पे बीच बीच में ये सर्कल शेप के हमें जमीन के अंदर ये डिजाइन भी देखने को मिल जा रहा है जो कि इस जगह को और भी ज्यादा बढ़िया बनाता है। तो ओवरऑल तुम लोगों को ये लोकेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड इसके डाउनलोड लिंक के बारे में तो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसे फटाफट से कॉपी कर लो, जस्ट तुम्हें उस पे एक बार क्लिक करना है एंड जैसे ही वो तुम्हारे फोन में ओपन होता है तुम्हें सिंपली उसे कॉपी कर लेना एंड दैट्स इट। तो इसी के साथ अगर तुमने इस वीडियो को थोड़ा सा भी एंजॉय किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे कर देना एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।